ये है कंडला बंदरगाह। कंडला आज भारत में प्राचीन समुद्री मार्ग से व्यापार के गौरवशाली आधुनिक प्रतीक के रूप में खड़ा है। भारत में नौवहन की शुरुआत 4500 वर्ष पूर्व वर्तमान गुजरात में खंबात की खाड़ी स्थित लोथल से हुई। लोथल, भृगु कच्छ या वर्तमान भरूच तथा अन्य प्राचीन भारतीय बंदरगाह हजारों साल पहले से ही समृद्ध समुद्री व्यापार के केंद्र रहे हैं। कच्छ के दूरदर्शी महाराव खिंगरजी तृतीय ने सन 1930 में कंडला के महत्व को पहचान कर यहाँ एक RCC जेटी का निर्माण करवाया। कंडला बंदरगाह के विकास की अद्भुत यात्रा की शुरुआत सन 1950 से हुई। जल्द ही इसको स्वतंत्र भारत में विकसित प्रथम महाबंदरगाह होने का गौरव प्राप्त हुआ। आदर्श भौगोलिक स्थिति और लहरों से सुरक्षा का पूरा फायदा उठाकर कंडला ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा। माननीय प्रधानमंत्री का एक स्वप्न, सागरमाला परियोजना के जरिए बंदरगाह आधारित विकास कंडला में तेजी से सच होता दिखाई दे रहा है। रेलवे और राजमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क पोर्ट को उत्तर एवं पश्चिमी भारत के 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल हिंटरलैंड और औद्योगिक राज्यों से जोड़ता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का सतत लंबाई में फैला प्लेटफॉर्म और इस पर कार्यरत 12 मल्टी कार्गो टर्मिनल और एक कंटेनर टर्मिनल इसको देश का दक्षतम पत्तन बनाते हैं। लिक्विड कार्गो के नजरिए से कंडला देश के सबसे उन्नत बंदरगाहों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित 6 ऑयल जेटी की क्षमता 120 लाख मेट्रिक टन है, जिसको 2020 तक 270 लाख मेट्रिक टन करने का लक्ष्य है। लक्ष्य पूरा करने के लिए 5 अतिरिक्त ऑयल जेटी विकसित की जाएंगी। वर्तमान 6 ऑयल जेटियों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिस्चार्ज दर में वृद्धि तथा पाइपलाइनों के रैशनलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। एक लिक्विड हब के रूप में उभर रहे कंडला ने पिछले 3 वर्षों में लिक्विड स्टोरेज की क्षमता में करीब 14 लाख टन का इजाफा किया है, जिसकी वजह से आयातकों के लिए किफायती भंडारण सुनिश्चित हो सका है। नौवहन व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने के लिए स्तरीय सुविधाओं का होना एक जरूरी शर्त है। कंडला कभी सोता नहीं, यहां सप्ताह के 7 दिन 2400 घंटे काम होता है। ड्राई कार्गो जैसे कोयला, चीनी, कृषि उत्पाद, इमारती लकड़ी, नमक, उर्वरक, स्टील उत्पाद आदि के आयात और निर्यात के लिए पोर्ट परिसर में करीब 2 लाख वर्ग मीटर के 35 शेड और लगभग 17 लाख वर्ग मीटर ओपन स्टोरेज की उपलब्ध सुविधा क्षेत्र की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले वर्ष से वाहनों के आयात निर्यात के लिए शुरू किए गए रोरो ऑपरेशंस ने कंडला बंदरगाह की क्षमताओं को और व्यापक बनाया। पोर्ट में एक साथ 3000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। पोर्ट परिसर में हाल ही में कार्यरत रेलवे स्टेशन माल की सुगम एवं किफायती आवाजाही सुनिश्चित करता है। कीर्तिमान स्थापित करने में अव्वल कंडला पोर्ट वर्ष 2015-16 में 1000 लाख मेट्रिक टन कार्गो संचालित करने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना। इतना ही नहीं, कार्य कुशलता मानकों में पिछले 3 वर्षों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि ने कंडला को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अग्रसर रखा है। इन उपलब्धियों की सराहना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी की गई। ड्यूरिंग 2015-16 कंडला पोर्ट इन गुजरात ब्रिज द 100 मिलियन ट्रैफिक लैंडमार्क एंड डिस्प्लेड 20% इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। पोर्ट प्रशासन पत्तन की क्षमताओं में वृद्धि के लिए सतत प्रयासरत है। पिछले 3 वर्षों की लगातार कड़ी मेहनत से कंडला की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 2020 तक 1800 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य साकार किया जाएगा। संसाधनों के अधिकतम उपयोग, कार्गो में वृद्धि, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश का नतीजा है कि इस पत्तन ने लगातार शानदार वित्तीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कंडला पोर्ट के अधीन वाडीनार टर्मिनल से इंडियन ऑयल की कोयली, पानीपत और मथुरा की तेल रिफाइनरियों को यहां स्थापित SPM के माध्यम से वर्ष 1978 से ही क्रूड भेजा जाता है। 32 मीटर के कुदरती ड्राफ्ट और अत्याधुनिक SPM ने 3 लाख टन क्षमता वाले वेरी लार्ज क्रूड कैरियर से किफायती तेल आयात को संभव बनाया है। तूणा टेकरा के निकट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 14.5 मेट्रिक टन की क्षमता की 4 बर्थों का निर्माण करके पोर्ट प्रबंधन ने अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी की है।
16 मीटर के ड्राफ्ट की वजह से तूना टेकरा से केप साइज वेसल के माध्यम से आयात निर्यात किया जाना संभव हो सका है। बंदरगाह आधारित विकास और व्यापारिक समृद्धि के उद्देश्य से कंडला पोर्ट ट्रस्ट भारत का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी विकसित करने जा रहा है। 1430 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाए जाने वाले SIPC को दो हिस्सों में विकसित किया जाएगा। SIPC का पहला 580 एकड़ का क्षेत्र रिहायशी हिस्से के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ हर वर्ग के लिए पर्यावरण अनुकूल आवासों का निर्माण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आवासों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ एक आधुनिक जीवन शैली के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, यथा स्कूल, अस्पताल, आधुनिक शॉपिंग मॉल, बच्चों के लिए खेल के मैदान, जॉगिंग एवं साइकिलिंग ट्रैक इत्यादि। यहाँ होंगी सेंसर आधारित स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर लाइटिंग, आधुनिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था, 100% जल की रिसाइकलिंग व्यवस्था, प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था। इसके अलावा 850 एकड़ के अलग भूखंड में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे, जैसे कि फर्नीचर निर्माण, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज, नमक आधारित उद्योग तथा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों के माध्यम से कंडला पोर्ट मेक इन इंडिया तथा सागरमाला परियोजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन दोनों शहरों के विकास में लगभग 1400 करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट तथा लगभग 10,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी के विकास से करीब 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। पेशेवर प्रबंधन, व्यापार एवं श्रम हितैषी नीतियाँ, स्तरीय सुविधाओं और अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण ये पोर्ट पिछले 10 वर्षों से लगातार देश का श्रेष्ठतम पत्तन बना रहा है। कच्छ की बहुरंगी संस्कृति ने यदि गुजरात को सांस्कृतिक पहचान दी है, तो कंडला बंदरगाह ने इस राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौवहन क्षेत्र में पहचान दी है। कंडला बंदरगाह निसंदेह समृद्धि का प्रवेश द्वार है।